इस वीडियो में रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी एग्जाम में पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो रेलवे के स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड टीसीसीसी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रेलटे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, भारतीय रेल में कुल संचालन पद्धतियाँ कितनी है? ऑप्शन क 8, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 6, ऑप्शन ख 5। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 6। भारतीय रेलवे में कुल संचालन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ वर्किंग 6 है। इंडियन रेलवे में सिस्टम ऑफ वर्किंग की संख्या कुल टोटल जो है वह है 6 यानी 6। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है, केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार क्या है? ऑप्शन क लकड़ी का डंडा, ऑप्शन ख लिखित प्राधिकार, ऑप्शन ग क और ख दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग क और ख दोनों, यानी लकड़ी का डंडा और लिखित प्राधिकार दोनों। एक केवल एक गाड़ी पद्धति में ऑथोरिटी टू प्रोसीड है लकड़ी का डंडा, और वह लकड़ी का डंडा अगर खो गया तो लिखित प्राधिकार रिटेन ऑथोरिटी भी दिया जाता है, यानी जनरली लकड़ी का डंडा है ऑथोरिटी टू प्रोसीड वन ट्रेन वन ली सिस्टम में, और अगर वह लकड़ी का डंडा अगर भूल जाए खो जाए तो ऐसी स्थिति में लिखित प्राधिकार भी दिया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, इंजन व्हीसिल कोड का वर्णन कहाँ है? ऑप्शन क GR 4.48, ऑप्शन ख GR 4.50, ऑप्शन ग GR 4.46, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा GR 4.50। इंजन व्हीसिल कोड की चर्चा GR के 4.50 में वर्णन किया गया है। जनरल रूल के 4.50 में इंजन का व्हीसिल कोड का विवरण किया गया है, अतः यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आंसर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान किस नियम के तहत किया जाता है? ऑप्शन क GR 4.43, ऑप्शन ख GR 4.42, ऑप्शन ग GR 4.48, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख GR 4.42, यानी ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान GR 4.42 में वर्णन किया गया है, यानी GR 4.42 में ऑल राइट के बारे में चर्चा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन सीटी का अर्थ क्या है? क ACP, ख टोकन मिस, ग फॉलिंग मार्क जाम है, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग फॉलिंग मार्क जाम है। तीन लंबी सीटी का अर्थ है कि फॉलिंग मार्क जाम है। अगर थ्री लॉन्ग सीट बजे सीटी बजाना है बजता है, इसका मतलब है कि फॉलिंग मार्क जाम है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, चार छोटी सीटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन क गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है, ऑप्शन ख गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, ऑप्शन ग गाड़ी पार्ट हो गई, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है। चार छोटी सीटी का अर्थ है कि ट्रेन आगे बढ़ने में असमर्थ है। चार छोटी सीटी का मतलब है कि ट्रेन आगे बढ़ने में असमर्थ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन छोटी सीटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन क गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है, ऑप्शन ख गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, ऑप्शन ख गाड़ी पार्ट हो गई, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। यहाँ हो जाएगा गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए। तीन छोटी सीटी का अर्थ है गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, तीन छोटी सीटी बजाया जाता है, इसका मतलब है कि गार्ड महोदय ब्रेक अप्लाई करें। नेक्स्ट प्रश्न है, दो छोटी एक लंबी सीटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन क गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है, ऑप्शन ख गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, ग अलार्म चेन पुलिंग, ख इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अलार्म चेन पुलिंग ACP। दो छोटी और एक लंबी सीटी, दो छोटा और एक लॉन्ग सीटी का मतलब है कि ट्रेन में ACP हुआ है, अलार्म चेन पुलिंग हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, T 3691 दिया जाता है कहाँ से?
ऑप्शन क पिछले स्टेशन से, ऑप्शन ख पिछले नोटिस स्टेशन से, ऑप्शन ग पिछले रुकले वाले स्टेशन से, ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी T3691 यानी एडवांस ऑथोरिटी टू प्रोसीड दिया जाता है, पिछले स्टेशन से भी दिया जाएगा अगर गाड़ी पिछले स्टेशन पर रुकता है तो, या पिछले नोटिस स्टेशन से भी दिया जाएगा, पिछले नोटिस स्टेशन जहां से कौशन जारी किया तो वहां से भी एडवांस ऑथोरिटी दिया जा सकता है, या पिछले रुकने वाला स्टेशन से यानी मेल एक्सप्रेस ट्रेन पिछले जिस स्टेशन से रुकता है वहां से भी T3691 यानी एडवांस ऑथोरिटी दिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है T3693B दिया जाता है, ऑप्शन क पिछले स्टेशन से, ऑप्शन घ इन पिछले नोटिस स्टेशन से, ऑप्शन ग पिछले रुकने वाला स्टेशन से, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं, T3693B पिछले स्टेशन से नहीं दिया जाता है, उसी स्टेशन से जारी किया जाता है जिस स्टेशन में सिग्नल फेल है, सिग्नल जिस स्टेशन में खराब है उसी स्टेशन से जारी किया जाता है T3693B यानी पिछले स्टेशन से जारी नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है T3693B पार करने पर सिग्नल पार करने पर गति क्या होती है, ऑप्शन क 30 km/h, ऑप्शन ख 15 km/h, ऑप्शन ग प्रतिबंधित गति, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 15 km/h, यानी जब सिग्नल फेलियर होता है और उसके लिए T3693 भी जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन उस सिग्नल को पास करते समय अधिकतम गति जो होगा उसका 15 km/h होगा, यानी 3693B लेने के बाद लोको पायलट महोदय उस सिग्नल को 15 km/h गति से पास करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है सतर्कता आदेश जारी किया जाता है, ऑप्शन क अस्थाई गति प्रतिबंध के लिए, ऑप्शन ख अस्थाई गति प्रतिबंध के लिए, ऑप्शन ग इनमें दोनों के लिए, ऑप्शन ख इनमें घ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अस्थाई गति प्रतिबंध के लिए। कॉशन ऑर्डर जो जारी किया जाता है टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए, जहां पर टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है अस्थाई गति प्रतिबंध उसी के लिए कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है TA409 दिया जाता है, ऑप्शन क रिमाइंडर सतर्कता आदेश के लिए, ऑप्शन ख नील सतर्कता आदेश के लिए, ऑप्शन ग दोनों के लिए, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नील सतर्कता आदेश, नील कौशन ऑर्डर के लिए TA409 दिया जाता है। TA409 किसके लिए जारी किया जाता है, नील कौशन ऑर्डर, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसी प्रकार अगला प्रश्न है TB409 जारी किया जाता है, क रिमाइंडर सतर्कता के लिए, ख नील सतर्कता के लिए, ख दोनों के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन क रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर के लिए, TB409 जो जारी किया जाता है वो होता है रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर के लिए, रिमाइंडर सतर्कता आदेश। TB409 जो है कॉशन ऑर्डर यानी सतर्कता आदेश हुआ, रिमाइंडर सतर्कता आदेश के लिए जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए मिलेगा क्या मिलेगा, क T510, ख T511, ऑप्शन घ T509, ऑप्शन ग T512। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग T509, और थ्रीटी जो है T509 वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए लिया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए T509 अथॉरिटी लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग T509। अगला प्रश्न है SLB लगाया जाता है, ऑप्शन क इखरी लाइन में, ऑप्शन ख दोहरी लाइन में, ऑप्शन ग इखरी और दोहरी लाइन दोनों में, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क इखरी लाइन में, सिंगल लाइन में, SLB यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड सिंगल लाइन में लगाया जाता है। SLB यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, सिंगल लाइन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। BSLB लगाया जाता है, ऑप्शन क द्विसंकेती डबल लाइन में, ऑप्शन ख बहुसंकेती डबल लाइन में, ऑप्शन ग क और ख दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख बहुसंकेती डबल लाइन में। BSLB यानी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो है लगाया जाता है कहाँ,
मल्टी एस्पेक्ट डबल लाइन में, यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल होना चाहिए और सेकंड डबल लाइन होना चाहिए, वहीं ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। बीएसएलवी डबल लाइन के मल्टी एस्पेक्ट वाले सिग्नल में लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न हो गया, दी संकेती बी क्लास स्टेशन पर पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है कहाँ? ऑप्शन क आउटर सिग्नल से 1200 मीटर पर, ख होम सिग्नल से 1000 मीटर पर, ग आउटर सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग आउटर सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर। दी संकेती में बी क्लास स्टेशन में पैसेंजर वार्निंग बोर्ड आउटर सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से प्रायः 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, चूंकि दी संकेती में आउटर सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। अतः दी संकेती के बी क्लास में पैसेंजर वार्निंग बोर्ड आउटर सिग्नल से 1000 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, प्रथम रोक सिग्नल से पहले गुड्स वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। ऑप्शन क 1200 मीटर पर, ऑप्शन ख 1000 मीटर पर, ऑप्शन ग 1400 मीटर पर, ऑप्शन ख इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1400 मीटर पर, यानी प्रथम रोक सिग्नल से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से गुड्स वार्निंग बोर्ड 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। गुड्स वार्निंग बोर्ड जो है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाता है? 1400 मीटर की दूरी पर, 1400 मीटर पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, डी क्लास स्टेशन बोर्ड लगाया जाता है। स्टेशन ऑप्शन क स्टेशन से 500 मीटर पहले, ऑप्शन ख 800 मीटर पहले, ऑप्शन ग 1200 मीटर पहले, ऑप्शन घ 1000 मीटर पहले। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन क स्टेशन से 500 मीटर पहले, डी क्लास स्टेशन बोर्ड लगाया जाता है स्टेशन से 500 मीटर पहले। डी क्लास स्टेशन बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? स्टेशन से 500 मीटर पहले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है कहाँ? ऑप्शन क अवरोध से 600 मीटर पहले, ख अवरोध से 1200 मीटर पहले, ऑप्शन ग अवरोध से 30 मीटर पहले, ऑप्शन घ अवरोध से 800 मीटर पहले। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अवरोध से 30 मीटर पहले। स्पीड इंडिकेटर कहाँ लगाया जाता है? अवरोध से 30 मीटर पहले। स्पीड इंडिकेटर जो है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे 30 मीटर पहले लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, स्टॉप इंडिकेटर कहाँ लगाया जाता है? और फर्स्ट ऑप्शन है अवरोध से 600 मीटर पहले, ग है अवरोध से 1200 मीटर पहले, ग है अवरोध से 30 मीटर पहले, घ है अवरोध से 800 मीटर पहले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अवरोध से 30 मीटर पहले। स्टॉप इंडिकेटर भी अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। स्टॉप इंडिकेटर भी जो है वह अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, टीपी बोर्ड लगा होता है कहाँ? ऑप्शन क सवारी गाड़ी के लिए, ऑप्शन ख मालगाड़ी के लिए, ऑप्शन ग दोनों के लिए, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सवारी गाड़ी के लिए, टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन। टीपी बोर्ड किसके लिए लगा होता है? टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए, यानी सवारी गाड़ी के लिए टीपी बोर्ड लगा होता है, सवारी गाड़ी के लिए, टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू बोर्ड देखने पर लोको पायलट क्या करेंगे? ऑप्शन क लगातार लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन ख लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन ग रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लगातार लंबी सीटी बजाएगा। डब्ल्यू बोर्ड देखने पर लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लगातार लंबी सीटी बजाएगा डब्ल्यू बोर्ड देखने पर। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू एल बोर्ड देखने पर लोको पायलट क्या करेंगे? ऑप्शन क लगातार लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन ख लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन ग रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। डब्ल्यू एल बोर्ड देखने के बाद लोको पायलट क्या है? रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। डब्ल्यू एल बोर्ड देखने के बाद लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यू एल बोर्ड लगाया जाता है। ऑप्शन क संपार से 600 मीटर पहले, ऑप्शन ख संपार से 400 मीटर पहले, ऑप्शन ग संपार से 350 मीटर पहले, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन क संपार से 600 मीटर पहले। डब्ल्यू एल बोर्ड जो है
लेवल क्रॉसिंग को गेट से 600 मीटर पहले लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, संपार से 600 मीटर पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, चेतावनी सिग्नल मिलने एवं विवरण न मिलने पर लोको पायलट रुकेगा दिन में 2 मिनट रात में 1 मिनट। ऑप्शन ख, दिन में 1 मिनट रात में 2 मिनट। ऑप्शन ग, दिन और रात दोनों में 2 मिनट। ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। यानी चेतावनी सिग्नल है, यानी वार्नर सिग्नल मिला और उस पर कुछ मार्कर नहीं लगाया हुआ है कि वार्नर सिग्नल है कि नहीं, पी मार्कर नहीं लगा हुआ है, पी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और अगर वार्नर सिग्नल मिल गया तो ऐसी स्थिति में वह वहां पर अगर दिन के समय है तो 1 मिनट और रात के समय है तो 2 मिनट रुकेगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अगर वार्नर सिग्नल मिलता है और उस पर कोई विवरण नहीं है, उस पर कोई पी मार्कर वगैरह नहीं है, तो वैसी स्थिति में दिन के समय है तो 1 मिनट और रात के समय है तो 2 मिनट रोककर उसे कंफर्म करके कि यह वार्नर सिग्नल ही है, चेतावनी सिग्नल ही है, उसके बाद ही वह आगे बढ़ेगा। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, रास्ते में खराब सिग्नल प्राप्त होने पर किस नियम के तहत सूचना देना है। ऑप्शन ख GR 3.85, ऑप्शन ख GR 3.87, ऑप्शन ग GR 3.86, ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन क GR 3.85। यानी रास्ते में खराब सिग्नल प्राप्त होने पर किस नियम के तहत सूचना देना है, GR 3.85 के तहत सूचना देना आवश्यक है। अगर खराब सिग्नल मिल जाता है, डिफेक्टिव सिग्नल मिलता है, तो इसको सूचना GR 3.85 के तहत देना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के तहत लोको पायलट को कार्य करने से पूर्व रोड लर्निंग आवश्यक है। ऑप्शन क SR 3.78, ऑप्शन ख 3.79, ऑप्शन ग SR 3.80, ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क SR 3.78। रोड लर्निंग के बारे में चर्चा SR 3.78 में किया गया है, यानी लोको पायलट को कार्य करने से पूर्व रोड लर्निंग LR आवश्यक है, LR देना जरूरी है कार्य करने से पूर्व लोको पायलट को, इसका वर्णन SR 3.78 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर क। अगला प्रश्न है, लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के मध्य सिग्नलों को फुकारे जाने का नियम है किसके तहत। ऑप्शन क GR 3.85, ऑप्शन ग ख GR 3.83, ऑप्शन ग GR 3.86, ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख GR 3.83। यानी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के मध्य सिग्नल फुकारे जाने का नियम GR 3.83 में इसका चर्चा किया गया है। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के मध्य सिग्नल को बुलाने का, फुकारने का जो है, उसकी चर्चा GR 3.83 में किया गया है। अतः यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो कॉमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, हम पुनः मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।